यू जस्ट लर्न पाइथन इन 10 मिनट्स। 10 मिनट में मैं पाइथन आपको सिखाने वाला हूँ। तो उसका तरीकाकार ये है कि सबसे पहले आपने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाना है, ठीक है, उसका नाम रखना है पाइथन, ठीक है, बस ये काम पहला करना है। उसके बाद आपने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करना है, ठीक है। विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करने के बाद आपने इस फोल्डर को ड्रैग करके ना, ये ऐसे ड्रैग करके इधर ले आना है, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ से, ये पाइथन का फोल्डर आ गया, उसके बाद ये एक्सटेंशन में जाना है, यहाँ पर आपने पाइथन को इंस्टॉल कर लेना है, पाइथन की एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेनी है। तो ये वाली पाइथन की इंस्टॉल है, मैंने इंस्टॉल कर ली थी। ये पाइथन माइक्रोसॉफ्ट लिखा हुआ है इधर, पाइथन लैंग्वेज सपोर्ट विद एक्सटेंशन, ये वाला, इसको इंस्टॉल करना है। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ पर इंस्टॉल करना है कोड रनर, ठीक है, कोड रनर, ये पहला वाला, ये भी मैंने इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है। ये होगा ये कि आपके पाइथन की जो जितना भी मैं प्रोग्राम लिखूंगा उसको रन करने के लिए ये यूज होगा, ठीक है। अच्छा, अगर आपने कंप्यूटर में पाइथन इंस्टॉल नहीं की तो उसका तरीकाकार ये है कि आप यहाँ पर python.org लिखें, ठीक है जी। यहाँ से आप डाउनलोड पे बटन पर जाएं, ये डाउनलोड है, यहाँ से पाइथन को डाउनलोड कर लें, पाइथन आपके पास इंस्टॉल डाउनलोड हो जाए और इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है जी। तो अब हम वापस चलते हैं प्रोग्रामिंग की जाने, ठीक है जी। जो मैंने फाइल बनाई थी, मैं अब आपको प्रोग्रामिंग सिखाने लगा हूँ। न्यू फाइल basic.py, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपने प्रिंट करना हो कुछ भी, समथिंग समथिंग स्पेशल ठीक है, राइट क्लिक करें, रन कोड, समथिंग स्पेशल फॉर कोपर्ड, ये प्रिंट हो गया, ये बेसिक है, ठीक है जी। यानी कि पाइथन में जो भी आपने प्रिंट करना है तो जस्ट आपने प्रिंट करें और उसको छोटी ब्रैकेटों में इंडेंटेड मल्टी कॉमा के साथ लिखें और वो प्रिंट हो जाएगा। फिर मैं कहता हूँ एक्स इज इक्वल टू 5, ठीक है, और वाई इज इक्वल टू 3.14, ये इंटीजर है, ये हमारा फ्लोट है। फिर मैं कहता हूँ नेम इज इक्वल टू अदनान, ये मेरा नाम है, इज अंडरस्कोर स्टूडेंट इज इक्वल टू ट्रू, ये मैं बुलियन पता कर रहा हूँ कि ये बुलियन में ट्रू है या फॉल्स है। तो प्रिंट कराऊंगा एक्स कॉमा वाई कॉमा नेम कॉमा इज अंडरस्कोर स्टूडेंट, ठीक है। ये बेसिक प्रोग्रामिंग सिखा रहा हूँ मैं आपको, राइट करके रन करूंगा, रन कोड ये आ गया सर, 5.5 आ गया, 3.4 आ गया, अदनान और ट्रू आ गया, ठीक है जी। इसका मतलब ये स्टूडेंट है। अच्छा, आगे चलते हैं जनाब, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं बेसिक ऑपरेशंस आपको बताता हूँ, बेसिक ऑपरेशंस पाइथन। उसके लिए सबसे पहले ए लेना है आपने वेरिएबल इंटीजर का, 10 दे देनी इसकी वैल्यू, बी लेना है इसकी वैल्यू आपने दे देनी, ये वेरिएबल है और इनपुट है 20, ठीक है जी। उसके बाद हम कहेंगे प्रिंट ए प्लस बी, ठीक है। फिर हम कहेंगे प्रिंट ए थैंक यू वेरी मच माइनस बी, एक ही धीरे बस। फिर हम कहेंगे प्रिंट ए मल्टीप्लाई बी, फिर हम कहेंगे प्रिंट ए डिवाइड बी, ये बेसिक ऑपरेशंस मैं कर रहा हूँ। तो रन करेंगे इसको, ये हमारे पास आ गया, ठीक है, सॉरी सेव नहीं किया, सॉरी, मैंने इसको रन करते हैं, ये आ गया, ठीक है जी। तो पहला 30 है, माइनस किया तो 29 आ गया, मल्टीप्लाई किया तो 200 आया, डिवाइड किया तो 0.5 आ गया, ठीक है जी। अच्छा, ये बेसिक ऑपरेशंस थे पाइथन के। अब हम इसके अंदर करते हैं एक लिस्ट किस तरह से बनती है पाइथन में, वो बनाते हैं। मैं कहता हूँ फ्रूट्स की अगर हम लिस्ट बनाएं इज इक्वल टू, तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ एप्पल कॉमा, उसके बाद मैं ले लेता हूँ बनाना कॉमा, उसके बाद मैं ले लेता हूँ, सॉरी, बनाना के बाद मैं ले लेता हूँ चेरी, ठीक है, ये मैंने एक लिस्ट बना दी। अच्छा, उसके बाद मैं कहता हूँ प्रिंट फ्रूट्स, प्रिंट करते हैं जी इसको, ये मेरे पास आ एप्पल बनाना चेरी प्रिंट हो गया, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद मैं अगर कहूँ कि इसको एलिमेंट मैंने लेना है, प्रिंट करना है, प्रिंट करूंगा फ्रूट्स का एलिमेंट, मिसाल के तौर पर 0 ले रहा हूँ मैं, ठीक है, 0th एलिमेंट लेना हो तो उसको रन करते हैं, 0th एलिमेंट में एप्पल आ रहा है, समझ आ गया जी। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें, अगर मैंने कोई फ्रूट ऐड करना है, फ्रूट्स डॉट अपेंड करूंगा, ठीक है, अपेंड करता हूँ, मैं कहता हूँ जी इसमें ऐड कर दो ऑरेंज, ऑरेंजेस भी ऐड कर दो, अब करो प्रिंट करो उसको,
ठीक है। विजुअल स्टूडियो कोड में प्रिंट प्रोग्रामिंग करना जरा आसान है, ये देख लीजिए। इसमें ऑरेंज भी ऐड हो गया, एप्पल, बनाना और चेरी और ऑरेंज। अपेंड का मतलब होता है लिस्ट में ऐड करना, ठीक है। अब हम बात करते हैं लूप की। अब हम लूप किस तरह से पाइथन में इस्तेमाल करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं कहता हूँ फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स, ठीक है, कॉलन। अच्छा, उसके बाद मैं कहता हूँ प्रिंट फ्रूट्स, ठीक है। अच्छा, ये लूप लगा दिया, फॉर लूप मैंने, ये देख लीजिए, ये हमारे पास प्रिंट हो गया अगेन, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं काउंट इज इक्वल टू जीरो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ काउंट इज इक्वल टू जीरो, और वाइल लूप में लगाता हूँ वाइल काउंट लेस देन फाइव, ठीक है, वाइल काउंट लेस देन फाइव, तो प्रिंट कर दो काउंट को, ठीक है, और उसमें ऐड कर दो काउंट में प्लस इज इक्वल टू वन, लेट्स सी, ठीक है जी। ये हमारे पास ये प्रिंट हो गया, ये देख रही है लूप चल रहा है फाइव टाइम्स, 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, ये हमारे पास ये वाइल लूप लगाया है, ठीक है जी। काउंट इज इक्वल टू जीरो, वाइल काउंट लेस देन फाइव, प्रिंट काउंट, काउंट प्लस वन इज इक्वल टू, ठीक है जी। अच्छा, अब हम फंक्शंस देखते हैं पाइथन में किस तरीके से फंक्शंस हम बनाते हैं। तो उसके लिए एक नई फाइल बना लेते हैं, ठीक है, उसको राइट क्लिक करके यहाँ पर बनाएंगे बेसिक टू डॉट पाय, ठीक है। इस फंक्शन हम बनाने लगे हैं, उसका नाम रखते हैं ग्रीट, ठीक है, ये हमारे फंक्शन का नाम है, उसका नाम नेम ही रख देते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है, डेफ ग्रीट और नेम। अब हम कहेंगे रिटर्न एफ और हम कहेंगे हेलो, ठीक है, कॉमा, ठीक है, और नेम यहाँ पर हम कह देंगे, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम इसको कहेंगे प्रिंट कर दो जो हमारा फंक्शन था ग्रीट को, नाम क्या है जी इसमें से बंदे का, ये है फंक्शन बनाने का तरीका, हेलो अदना, समझ आ गया जी। सबसे पहले डेफ का जो भी पाइथन में आप फंक्शन बनाएंगे वो डेफ से ज्यादा आता है, डेफ ग्रीट नेम आ जाएगा, रिटर्न हेलो, प्रिंट ग्रीट अदना, ठीक है जी, ये आपका फंक्शन आ गया। अच्छा, अगर हम कंडीशनल स्टेटमेंट बनाना चाहें और कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए एक फाइल और बना लेते हैं, उसका नाम रखते हैं कंडीशन डॉट पाय, ये बन गई। तो मैं कहता हूँ एज इज इक्वल टू 18, ठीक है, मैं कहता हूँ इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 तो प्रिंट कर दो यू आर एन अडल्ट, ठीक है, अडल्ट हैं आप। अच्छा, उसके बाद अगर हम कहें एल्स, एल्स प्रिंट कर दो यू आर अ माइनर, यू आर अ माइनर, ठीक है, ये प्रिंट कर, ये है आपका तरीकाकार प्रिंट करने का, यू आर एन अडल्ट, समझ आ गया। क्योंकि हमने जो उसमें किया है आपका, हमने एज की 18 दे दी है, ठीक है, यानी कि अब एज 18 कर दी है, तो इफ एज ग्रेटर देन 18 प्रिंट यू आर एन अडल्ट, एल्स प्रिंट यू आर एन अ माइनर, आप माइनर हैं। तो ये है फंक्शन था, ये हमारी कंडीशन स्टेटमेंट थी, फंक्शन बनाने का डेफ के साथ बनता है, और ये बेसिक कुछ पाइथन मैंने सिखाई है आपको, प्रिंट समथिंग, ये इंटीजर है, ये फ्लोट है, ये स्ट्रिंग है, ये स्टूडेंट ट्रू है, ये बुलियन है, प्रिंट किया जाए तो बेसिक ऑपरेशन हमने किए, प्रिंट ए प्लस बी, लिस्ट हमने बनाई फ्रूट एप्पल बनाना चेरी, ठीक है, उसके बाद हमने लिस्ट को अपेंड किया और ऐड किए, लिस्ट के एलिमेंट एक्सेस किए, लूप लगाया फॉर लूप और वाइल लूप यूज़ किया, ठीक है, उसके बाद हमने ये फंक्शन बनाया और एज को निर्जाया। उम्मीद करता हूँ ये बेसिक पाइथन की प्रोग्रामिंग आज आपको 10 मिनट में मैंने सिखाने की कोशिश की है, उम्मीद है कि आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। तो हिट द बेल आइकन, लाइक।